वसुधा गुप्ता। अच्छा, आप करती क्या है? मैं पीपल फॉर एनिमल्स का के लिए काम करती हूँ। ये हर दिन आप सेवा करती है? हर दिन, जब से कोरोना वायरस आया उसके पहले से मैं कर रही थी। जो रोड पे जानवर रहते हैं, भूखे रहते हैं, उनको मैं खाना खिलाती हूँ, उनको देखभाल करती हूँ, उनका मेडिकल केयर भी करती हूँ। अच्छा, ये सब आप करती है जो जानवरों की सेवा, ये कैसा लगता है आपको? मुझे अंदर से संतुष्टि मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। आई फील हैप्पी कि हम किसी को कुछ कर पा रहे हैं, किसी को कुछ दे पा रहे हैं। अच्छा, आप भी साथ में हैं? हाँ जी, ये पहली बार हम ऐसा प्लेटफॉर्म पे निकले हैं, रोड पे निकले, मतलब अपने घर से दूर दूसरे एरिया के एनिमल्स को खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये सब आप सेवा कितने दिन से आप कर रहे हैं साथ में? ये मेरा सिंस कोरोना वायरस। अच्छा। जब से लॉकडाउन हुआ है जैसे बिहार लॉकडाउन जब से हुआ कोरोना वायरस का कार, उसके हिसाब से मतलब उसी टाइम से आप कर रहे हैं इसमें। अच्छा, मैम अपना नाम? मेरा नाम रजीना कावल है। अच्छा, आप भी मतलब जानवरों की सेवा करती है? हाँ जी बिल्कुल, अपने एरिया में तो हम अपने हिसाब से जो भी होता है वो करते ही हैं, लेकिन आज वसुधा मैम के थ्रू हम लोग सबको मौका मिला कि अपने एक एरिया से निकल के देखने के लिए कि बाकी एरियाज में भी ऐसी यही सिचुएशन है कि इससे डिफरेंट है, लेकिन हर एरिया का यही बात है कि वहाँ जानवर बिना खाने के ऐसे ही हैं, तो अगर हम लोग अपने तरफ से जो भी थोड़ा कुछ कर सके वो इन लोगों के लिए अच्छा। तो जानवरों को क्या क्या खिलाया जाता है, क्या क्या देते हैं आप खाना में? दूध चावल, जिस जानवर को जैसे जो चीज़ पसंद हो, जैसे खिचड़ी गायों के लिए, और बिस्किट्स भी हैं, तो ये सब डिफरेंट वेराइटी जो है हमारे खाने के वो हम लोग सब प्रोवाइड। अच्छा, बिस्किट भी कुत्तों के लिए दिया जाता है? हाँ जी।